ठीक है। देखो आजकल के डेट में स्टॉक मार्केट में सभी लोग आ रहे हैं। सभी का मतलब देखो एक चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, 100% में से 100% में से केवल 4.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। केवल 4.5% लोग, और इस 4.5% लोग में से ठीक है मान लेते हैं कि 2.5% लोग एक्टिव रहते हैं, और इनमें से प्रॉफिट करने वाले अगर आप देखोगे तो सर मतलब 0.2% ले लो, 0.5% भी मतलब 0.2% ले लो। ऐसा है सर, ऐसा है, मतलब बहुत कम लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं। और प्रॉफिट की बात तो सर छोड़िए, सर यहाँ पर मतलब आते ही कम लोग हैं, लेकिन आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो सर बॉलीवुड स्टार या क्रिकेटर वगैरह या बहुत सारे लोग जो हैं धीरे 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 जो है एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और केवल एंट्री नहीं ले रहे हैं सर, बड़े लेवल पर प्रॉफिट भी कर रहे हैं वो लोग। जैसे कि सबसे बड़े पॉपुलर अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन जी, सभी लोग जानते हैं भाई इनके बारे में, है कि नहीं है। इन्होंने भी स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रखा है। नहीं, केवल एंट्री नहीं ले रखा है, बहुत मोटा पैसा भी छाप रखा है सर। अब देखिएगा तो अजय देवगन जी, ये भी मतलब अब मार्केट में आ रहे हैं और बहुत बड़े लेवल में, मतलब अब देखो भाई धीरे धीरे सब लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी देखोगे तो लगभग, या धोनी वगैरह, ये लोग भी म्यूचुअल फंड का प्रचार करते हैं और वो लोग भी मार्केट में आते हैं। मार्केट में वो अनलिस्टेड मार्केट से भी शेयर खरीदते हैं, लिस्टेड मार्केट से भी शेयर खरीदते हैं सर। ठीक है, 5 करोड़ से उन्होंने बनाया था, 35 करोड़, सचिन तेंदुलकर या धोनी, यही दोनों में से किसी ने बनाया था। ठीक है, 5 से 35 या 45 करोड़ रुपये उन्होंने बनाया था अनलिस्टेड शेयर को खरीद के, ऐसा था सर। तो अब ये जो दुनिया है ना सर, यहां पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा बहुत आराम से सोच समझ के और टाइम देना होगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर कंपनी का नाम है सर डीपी वायर लिमिटेड, ठीक है, और ये अमिताभ बच्चन जी का फेवरेट स्टॉक है, मतलब फेवरेट स्टॉक है ये। ठीक है, पिछले 6 महीने में 10% तक का लॉस है सर, 10% का लॉस है, 1 साल में तो 54% का प्रॉफिट है। एक्चुअल में तो सर उससे भी ज्यादा था, ऑलमोस्ट डबल की बाजू में आपको देखने को मिला, ये थोड़ा बहुत गिर गया 10%, वो बात अलग है। ठीक है, पिछले 5 सालों में तो 755, 5 सालों में सर 755% का प्रॉफिट है सर। ठीक है, 755% तक का आपको देखने को मिला, और ये किसका, तो सर ये अमिताभ बच्चन जी का फेवरेट स्टॉक है। ये कंपनी करती क्या है, तो सर ये कंपनी साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है सर, वायर वगैरह, तो ये कंपनी वायर ही बनाती है। लेकिन कौन सी कंपनी, किस टाइप की वायर बनाती है, जो पॉलीकैब बनाती है वो नहीं सर, घर में इस्तेमाल होने वाले नहीं सर, ये लोग बॉर्डर से रिलेटेड कोई वायर बनाते हैं सर। ठीक है, बॉर्डर से रिलेटेड ये लोग वायर बनाते हैं, जो ऊपर में गोल गोल करके होता है ना, तो वो उस टाइप के स्टील रोड टाइप का वायर बनाते हैं वो लोग, उस टाइप के वायर बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ये आपको बताया जा रहा है कितने करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे, कितने स्टॉक, तो टोटल एक ही स्टॉक है। ठीक है, एक ही स्टॉक, और यहाँ पर देख सकते हो 16 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है। नीचे आपको बताया जाएगा। तो ये रहा भाई वो कंपनी का नाम जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर भी नाम दिखाया जा रहा है कन्फर्मेशन के लिए, इतने यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस कदर इन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न बनाया है। एक करेंट मार्केट प्राइस बताया जा रहा है, ये क्वांटिटी बताया जा रहा है, ठीक है, ये होल्डिंग परसेंटेज बताया जा रहा, और यहाँ पर टोटल वैल्यू आपको बताया जा रहा है सर, हो होल्डिंग वैल्यू बताया जा रहा। और एक चीज़, अब लोग बोलेंगे सर ये ग्रीन में क्या दिखा रहा है, 0.46%। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा जो चेंजेस हुए हैं सर, जो प्रीवियस क्वार्टर से जो चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर ग्रीन में दिख रहा मतलब खरीदा गया, रेड में यही चीज़ रहता तो सर वो बेचा जाता, तो 0.46% मतलब कुछ करोड़ रुपए इन्होंने दोबारा लगाए हैं, और ऊपर में भी यही चीज़ बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बॉट शेयर इन, तो सर केवल अमिताभ बच्चन जी ने इस शेयर्स को खरीदा नहीं है, इस कंपनी को खरीदा ही नहीं है, और ज़्यादा पैसा डाला इसमें, और ज़्यादा पैसा डाला है यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, क्या किया है, इंक्रीज़ किया है सर, खरीदा नहीं है, वर्ड इस्तेमाल किया गया है सर, बॉट शेयर इन। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है इंक्रीज इन शेयर, तो यहाँ पर जो खरीदा जाता है या इंक्रीज़ किया जाता है दोनों बताया जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज इन होल्डिंग आपको जो बताया जा रहा, पहले इनके पास ऑलरेडी है लेकिन और इन्होंने यहाँ पर खरीदा है। तो ये देखिए, ये लोग स्टील के प्रोडक्ट बनाते हैं, स्टील के वायर हो जाता है, स्टील से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, जो वो स्ट्रीट लाइट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें मतलब स्टील के प्रोडक्ट बनाते हैं, वायर से रिलेटेड ये लोग ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं सर, ऐसा है। ठीक है, ये देख सकते हो ये सारे वायर हैं सर, जो बल्क में ये लोग डील करते हैं बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों के साथ, और ये कुछ सॉकर टाइप का भी बनाते हैं सर, सॉकर जो मतलब टू व्हीलर में लगाए जाते हैं ना, वो हो सकता है कि हेवी व्हीकल्स वाले भी मतलब जो है जो भी स्प्रिंग वगैरह होता है वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं जो सॉकर टाइप का होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अजय देवगन, ठीक है, यहाँ पर उनके फिल्मों के बारे में बताया जा रहा। ठीक है, अजय देवगन इन्वेस्ट 2.74 करोड़, ठीक है, स्मॉल कैप स्टूडियो फर्म, तो जो ये लोग सर बड़े बड़े कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करते, ये लोग छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में नहीं करते। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कंपनी का नाम आपको बताया जा रहा होगा, पनोरमा स्टूडियो आपको जो देखने को मिला, ठीक है, इंटरनेशनल
जो आजकल के डेट में ये कंपनी काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। ये कंपनी कॉपीराइट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है ये कंपनी। ये रहा, ठीक है। अब देखिए अभी तक कंपनी ने 6,700% तक का रिटर्न दे रखा है, पिछले एक साल में 900% तक का रिटर्न दे रखा है सर। पिछले एक सालों में ही इस कंपनी ने काफ़ी तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दे दिया। और पिछले 5 सालों में तो सर कंपनी आई ही है, जो आपको देखने को मिला कंपनी लगभग 2019 में आई है, और पिछले एक सालों में इसने काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल के दे दिया सर। ऐसा है तो अब ये चलना स्टार्ट किया, अभी अभी ये चलना स्टार्ट किया है, और अभी भी ये कंपनी बहुत छोटी है, 1,100 करोड़ का है ये। मतलब जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जो है काम करता हुआ नज़र आ जाता है जी। इंटरटेनमेंट मत समझ लीजिएगा, वो कंपनी डूबी हुई कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मीडिया इंटरटेनमेंट, तो इसमें सर ये किस तरीके से ये पैसा कमाती है आपको बताया जा रहा है। बहुत सारे मूवीज़ का नाम आपको बताया जाएगा, उस तरीके से ये कंपनी जो है यहाँ पर देख सकते हो। हाँ, ये चीज़ मेन है जो आप देखोगे तो कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा। क्या बताया जा रहा, पहले तो सर फिल्म से रिलेटेड, वहाँ से ये कंपनी मेन पैसा कमाती है सर। फिर यहाँ पर देख सकते हो कॉपीराइट से रिलेटेड अदर रेवेन्यू भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अदर हो जाता है, एडवर्टाइज वगैरह भी कुछ हो जाता है। तो सर ये कंपनी ज़्यादातर पैसा जो है ना वो सर कॉपीराइट से कमाती है, कॉपीराइट से काफ़ी ज़्यादा ये पैसा बनाती है। क्योंकि ये जो कंपनी काम करती है ना, कहीं पर और लेके जाओ तो सर रेवेन्यू शेयरिंग देना पड़ता है, और मतलब जो है अच्छा खासा कमाई हो जाता है इनका। कहीं और मतलब ज़्यादा मान लीजिए कि अच्छे लेवल पर इनका कोई मूवीज़ वगैरह अगर देखते हो ना, कैसे क्या होता है सर, मतलब 10 मूवी आता है तो 10 में से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिट चला जाता है सर, ऐसा हो जाता है। PVR के साथ इन्होंने सर कोलेबोरेशन कर रखा है, ठीक है। PVR अगर आप देखोगे तो उनको 781 स्क्रीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़े प्लेयर है सर, PVR वगैरह, ये जो दोनों हैं, दो कंपनी आपस में मर्ज हो चुकी है, शायद मर्ज होने के लिए बातचीत हो रहा था। तो इस वजह से सर ये कंपनी जो बहुत बड़े लेवल में कंपनी काम कर रही है। एक चीज़ आप देख लीजिएगा सर, ये कंपनी का कभी भी मतलब जो है रिजल्ट ना कॉन्स्टेंट वे में इम्प्रूव नहीं होगा। मतलब इसके रिजल्ट जो रहेगा ना सर, ऊट पटांग हरकत करता हुआ नजर आएगा। कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी मान लेते हैं सर, अभी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे मूवी हैं जो हिट होते हैं तो सर 2,000 करोड़ रुपए भी कमा लेते हैं, ठीक है। सेम हीरो अगर फिर दोबारा अगर मूवी बनाता है तो सर 200 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाता है, ऐसा ही होता है। तो मतलब पहले बार तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर लिया सर, तगड़ा से भी तगड़ा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखेंगे तो उसके बाद सर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप भी हो रहा था। जैसे देखिए बाहुबली, बाहुबली जब मूवी आया तो सर बहुत अच्छा कमाई किया, बाहुबली जो हीरो आया बहुत अच्छा कम, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा मूवी आया सेम हीरो ने दूसरा मूवी बनाया तो सर फ्लॉप हो गया। 2-4 मूवी और बनाए तो कुछ ठीक ठाक नहीं चले। तो इसी तरीके से होता क्या है कि सर मूवी जब हिट होती है तो कंपनी काफ़ी तगड़ा पैसा बनाती है, लेकिन सर मूवी अगर मान लेते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे नहीं चलती है तो सर क्या होता है कि कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट करती है। तो होता क्या है कि फिर ये हो जाता है सर रिजल्ट में कि सर पिछले बार से तो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव नहीं किया, नहीं सर इसने ईयर ऑन ईयर इंप्रूव किया, आप क्या करें। तो आप हो सकता है कि अगले क्वार्टर में कुछ हो सकता है 3-3 महीने में, क्योंकि सर मूवीज़ वगैरह आती रहती है, चलती रहती है। इस वजह से सर इसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा सर इसके रिजल्ट वगैरह में। बाकी ये कंपनी थोड़ी अलग है, जैसे कि TV18 ब्रॉडकास्ट जो आपको देखने को मिल जाता है, ये अंबानी की कंपनी है, तो इससे ये थोड़ी अलग है। जी इंटरटेनमेंट अगर आप देख लोगे तो उससे भी ये थोड़ी अलग है। डिश TV अगर देख लोगे तो मतलब इनका काम थोड़ा अलग है सर, नए जमाने के लेवल में ये नए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नए लेवल से काम कर रहे हैं सर। ये कॉपीराइट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ज़्यादातर जो कंपनी सर ना वो एडवर्टाइज वगैरह में ज़्यादा ध्यान देती है, ऐसा रहता है। तो ये 2 शेयर थे जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार खरीद रहे हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने खरीद रखा है, तो मैं धीरे धीरे आपके उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कॉपी मत कीजिएगा कि भाई उसने खरीदा तो मैं भी खरीद लूँगा, उसने खरीदा तो मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं खरीद लूँगा, मैं आपको बोलूँगा ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट कभी किसी का कोई फैन नहीं होता, अगर आपने सही तरीके से सोच समझ के काम किया तो सर स्टॉक मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। अगर आपने कॉपी किया इधर उधर से देख लिया तो भाई आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अजय देवगन के लिए 3 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है सर, वो बड़े बड़े स्टार हैं, वो 2-3 करोड़ रुपये ऐसे ही नॉर्मल चला जाता है उनका। आप छोटे आदमी हो, आप थोड़ा सोच समझ के संभल संभल के कदम लीजिएगा।